हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हम लोग अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे और उसको बस खत्म ही करने वाले हैं। तो उसके कुछ लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं, आइए इनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। गिवन है हमें साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और लाना क्या है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, हमें ये लेके आना है। तो देखो, हमें ये क्लियर है कि साइन और कॉस कहीं ना कहीं चाहिए, साइन और कॉस कहीं ना कहीं चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, LHS लेते हैं और इस स्क्वायर को, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। हमारा इक्वेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 sin a cosec a plus cos square a plus sec square a plus 2 cos a sec a। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सीधे यहीं पे लिख लेता हूं मैं इसको, 1 अपॉन साइन ए लिख देता हूं। और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1। तो हमारी इक्वेशन आ गई 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस cosec square a plus sec square a, cosec square a plus sec square a। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था cosec और किसके बीच में, cosec और cot के बीच में, cosec square a = 1 plus cot square a, और sec square a, या मैं बोल सकता हूं 1 plus 10 square a = sec square a। ये होता था, इन दोनों की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, आ गया 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus cot square a plus 1 plus 10 square a। ऐड करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 plus 10 square a plus cot square a = RHS। हेंस प्रूव्ड, कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बस आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन को, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही डरना है कि बहुत टफ है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं, अगर हम इन्हें ट्राई करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पर अगर हम इन क्वेश्चन से डरेंगे तो ये फिर हमें दिक्कत करेंगे, ये हमें भी डराएंगे। तो डरना नहीं है बच्चों, डराना है किनको, ट्रिग्नोमेट्री को, डरना नहीं है, डराना है ट्रिग्नोमेट्री को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाय 10 a प्लस cot a। अब मैंने तुम्हें बोला था कुछ क्वेश्चन होते हैं जो केवल LHS से सॉल्व नहीं होते, हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है कि हमें LHS और RHS दोनों को लेके चलना है। तो पहले LHS को लेके चलते हैं, LHS को लेके चले, कॉसेक ए को चेंज करते हैं और सेक ए को चेंज करते हैं। कॉसेक को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये आ गया, जब हमने इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है, 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। तो यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख देता हूं क्या, cos square a अपॉन साइन ए 1 माइनस cos square a, और चाहूं तो 1 माइनस कॉस की जगह भी क्या लिख सकता हूं, साइन लिख सकता हूं।
वन माइनस, एक तो ये बन गया, दूसरा बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, एक रिलेशन ये आ गया। तो यहां पे वन माइनस कॉस की जगह लिख लेता हूं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस से ये गया एक साइन से ये गया, आ गया हमारा साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, ये आया हमारा एलएचएस को प्रूफ करके। अब बढ़ते हैं अपने आरएचएस की तरफ। RHS क्या बोलता है? RHS में लिखा है 1 upon tan A plus cot A, tan A को लिख सकता हूं sin by cos, sin A upon cos A plus cos A upon sin A। सॉल्व करते हैं 1 upon sin square A plus cos square A upon sin A cos A, और sin square A plus cos square A क्या होता है 1, तो ये आ गया this employs 1 upon 1 by sin A कॉस ए, और ये कहां चला गया ऊपर, ये आ गया साइन ए कॉस ए, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। देखो सिंपल क्वेश्चन था, अगर कहीं पे फंस जाओ तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आर एच एस को भी सॉल्व करके देखना है। अगर आप एल एच एस को सॉल्व कर रहे हो और वहां से आपका आर एच एस नहीं मिल रहा है तो आपको आर एच एस को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, आपको RHS को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया नाइन्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 जो आपकी NCERT मैथ्स का है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हमने क्विक अपना फटाफट से शॉर्ट फॉर्मुलेज और क्या कहते हैं किस तरह फॉर्मुलेज आए, कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगी, क्या क्या पंडित जी ने बात बोली, वो आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो उसमें हमें तीन क्लास दे दी है, एक ये मान लो, एक ये है, एक ये है, मतलब हमें इसके बराबर लेके आना है, हमें इसके बराबर लेके आना है इन दोनों में से। तो हम इस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम इसको लेके चलते हैं और टेन स्क्वायर ए लेके आते हैं। क्या करते हैं कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, अभी देखा था हमने कॉट और टेन में रिलेशन होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहां पे लिख देते हैं, या फिर कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट और कॉसेक में होता है सॉरी, यहां पे हम कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन, 1 अपॉन 10, तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैंसिल, बचा क्या 10 स्क्वायर ए, यानी LHS इक्वल्स टू हमारे आ गया RHS। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो 1 माइनस 10 ए यानी होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ये आ गया। सॉल्व करते हैं इसको आगे, सॉल्व कैसे करें, 10 को कॉट में रिवर्स कर देते हैं, 10 जितना भी है सबको कॉट में बदल देते हैं, 10 स्क्वायर ए माइनस सॉरी कॉट को 10 में बदल देते हैं 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस 2 अपॉन 10 ए, 2 अपॉन 10 ए, सॉल्व करते हैं इसको, यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, यहां से इक्वेशन आ जाएगी हमारी 10 स्क्वायर ए हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, ठीक है, तो 10 स्क्वायर ए आ गया, नीचे जब करेंगे तो ये बनेगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 टेन ए, ये तो बना, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 10 स्क्वायर ए। दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेके चलो, लास्ट में आपका वही आंसर आ रहा है जो कि है 10 स्क्वायर ए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो हमने ख़त्म कर लिया है, वो आपने देख लिया है कितने इजीली हमने इन क्वेश्चंस को किया और कितने इजीली हमने इनको सॉल्व किया।
बस आपको घबराना नहीं है, इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, क्या आपके एलएचएस में गिवन है, क्या आपके आरएचएस में गिवन है, क्या एलएचएस और आरएचएस में कोई रिलेशन बन रहा है, और जितनी भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी यहाँ पे, जितनी भी हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़ी, आपको उनको ध्यान में रखना है, आपको उनको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर।